हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर चीजी सैंडविच, जिसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से पोटैटो ले लिए हैं। ये बॉईल किए हुए हैं और मैंने उनको हाथों से अच्छे से मैश कर लिया। यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज इस तरह से कट कर लिया और इसी तरह से मैंने यहाँ पर टमाटर कट कर लिया। आप जो भी सैंडविच में वेजिस डालना चाहे आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ओरिगेनो, ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पर डालेंगे मेल्टेड चीज। देखिए, मैंने गैस पर पहले ही तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक हम अपने ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे एक बार, कि इस तरह से हम इनको हल्का सा सेक लेंगे। हमको इन्हें ज्यादा नहीं सेकना है, बाकी हम बाद में सेकेंगे। अभी ना हम थोड़ा क्रंची ही कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले लिया है मेल्टेड चीज। आप चाहे तो इसमें कोई और सा भी चीज डाल सकते हैं। और एक चम्मच यहाँ पर मैंने ले ली है ये म्योरी। हम इन सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नमक। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी टोमेटो केचप, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेड स्लाइस और यहाँ पर थोड़ी सी लगाएंगे मेयोनी और चीज को अच्छे से मिलाकर। और यहाँ पर इसी पर मैं थोड़ी सी डाल दूंगी टमाटो केचप। इस सभी को हम अच्छे से मिक्स करके फैला लेंगे। देखिए, मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। हमने जो ये मिक्सअप किया था वो हम इस पे ब्रेड पर रख लेंगे। देखिए, हमने इसको अच्छे से इस तरह से कर लिया। अब हम इस पे छोटे छोटे टुकड़े रख लेंगे पनीर के। आप इसमें जो भी खाना पसंद करें आप वो भी इसमें रख सकते हैं। इस तरह से हम इसमें पनीर के टुकड़े रख लेंगे और ऊपर से एक ब्रेड और इस तरह से हम इसको प्रेस करके रख देंगे। इस तरह से हम अपने और ब्रेड को तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने अपनी सभी ये बनाकर सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके चारों तरफ डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल या रिफाइंड, जो भी आप लगाना चाहें, और इन्हें अलटते पलटते हम सेक लेंगे। देखिए, मैंने इनको एक साइड से इनको अच्छे से सेक लिया है, दूसरी साइड से भी मैंने इनको अच्छे से सेक लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। देखिए, मैंने कितने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। मैं सभी को इस तरह से कट कर लूंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने सारे सैंडविचेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सॉस या केचप या फिर किसी भी डिप से आप इनको खा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने व्हाइट सॉस, यहाँ पर मैंने केचप रख दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।